तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें फोर पार्ट्स हैं क्या सारी चीजें पढ़ेंगे यार, होमवर्क में भी आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा। लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने स्टडी गर्ल फैमिली में। चलो अभी इस क्वेश्चन को है क्या फिर सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन में है भाई फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो अभी इसमें आपके फोर पार्ट्स दिए गए हैं, मींस की फोर क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी की आपको क्या निकालना है, P0, P1 एंड P2, मींस की जितने भी आपको यहां पर दिख रहे हैं क्वेश्चन, इनमें जो वेरिएबल हैं उनकी जगह पर एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, बाकी रख करके बार-बार सॉल्व कर लेना है, वही हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन पर ही चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पी वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस वन दिया है ना, और रखते हैं भाई, देखो यहाँ पर वाई की जगह पर क्या रख देंगे पहले जीरो। अब जीरो रखोगे देखो यहाँ पर पी जीरो बन गया कि नहीं, बट ऐसा नहीं है कि यहीं पर, अभी इसको भी रखोगे इधर भी ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा हमको। देखो जीरो हो जाएगा वाई की जगह पर, यहाँ पर स्क्वायर है माइनस वाई है जीरो प्लस वन, क्लियर। यहाँ पर जीरो का स्क्वायर भाई कुछ भी पावर अगर डालो इसका क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे माइनस का जीरो प्लस का वन, जीरो माइनस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि जीरो ही रहेगा। तो जीरो ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा वन, मतलब यही प्लस वन बचा हुआ था, अभी यहाँ पर प्लस नहीं लिखे तो भी क्या हो जाएगा भाई, प्लस ही होगा ना, तो ये हो गया वन। ओके, पी जीरो की वैल्यू यहाँ पर लिख देना, पी जीरो इक्वल में वन। अब ऐसा ही पी वन निकालना है, पी टू भी निकालना है भैया। चलो तो यहां हम क्या करते हैं, इधर भी निकाल लेते हैं। तो पी वन वैल्यू रखो यहां पर, मतलब यहां पर तो रख लिया, यहां पर भी तो रखना है, वाई वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, यही तो है इसमें वाई, वाई की जगह पर बस इन्हें यही हमने रख दिया और कुछ अलग से नहीं किया यार। देखो अब यहां पर वन का स्क्वायर होगा, कितना भी पावर हो जाए इसका भी, जैसे यहाँ पर जीरो था उसका भी वन ही होगा, कितनी भी पावर कर डालो, तो यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस का वन प्लस का वन। ओके, वन माइनस वन क्या होगा भाई, वन माइनस वन जीरो। ठीक है, अरे भाई कोई भी नंबर अगर आपस में उसी चीज को उसी चीज से माइनस करोगे कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो प्लस का वन और यहाँ पर हो जाएगा आपका वन, यहाँ पर भी वन था और यहाँ पर भी आपका वन ही आया। अब ऐसा नहीं है कि जो इसकी वैल्यू रखेंगे वही चीज आए, ऐसा नहीं है, हो जाता है कभी कभी आंसर। ठीक है, आप पी टू रख करके देखते हैं भाई, पी टू की जगह पर मींस की अब यहाँ पर वाई है, वाई की जगह पर क्या रख दोगे, टू का स्क्वायर यहाँ पर होगा माइनस टू प्लस का वन, टू का स्क्वायर करोगे कितना होगा, टू टू जा फोर। अब ऐसा नहीं है कि इस टू का उसमें मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं भैया, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू टू, अब इस 2 2 जगह पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस का 1, बचेगा कितना 3, अरे भाई 2 1 ऐड करोगे 3, मतलब नॉर्मली चीजें ये तो कर ही सकते हो ना। देखो प्रोसेस भी बताना था, तो प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है, कैसे देख रहे हो, पहले पी जीरो की वैल्यू हमने निकाला, पी वन की वैल्यू निकाला, फिर पी टू की वैल्यू निकाल दिया। ओके, अब देखो क्या करना है भाई, ये हो गया कंप्लीट, अब कुछ नहीं करना है, अब अपने अगले क्लास में पढ़ना है। ठीक है, अब भी अगले क्वेश्चन पर। ओके, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, पी टी इक्वल में टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अगर आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, साथ में ये भी करना, बाकी ये दोनों तो मैं होमवर्क दूंगा ही, करना पड़ेगा, और मैं तभी बताऊंगा जब आप कहोगे कि सर मुझे नहीं आ रहा है। ओके, मतलब कमेंट सेक्शन में। ठीक, चलो इसको समझते हैं पहले ये वाला क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो इसको हमने पढ़ लिया, अब इसकी जगह पर सिर्फ आपको क्या रखना भाई, मतलब क्वेश्चन को पढ़ लिया का मतलब है क्वेश्चन को मैंने रीड करा हुआ है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, टी जहां जहां पर है वहां पर हम पहले एक बार जीरो रखेंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर पी वन रखेंगे उसको सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद टू रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहां हम रखते हैं पी जीरो, अब यहां पर इसलिए रख रहा हूं उसको, यहां पर इसलिए कर रहा हूं जिससे कि सारा क्वेश्चन मैं इसी में कर लूं, अलग से ना करना पड़े। ठीक है, तो देखो पी जीरो हमने रखा, इक्वल में टू है प्लस का जीरो हो जाएगा प्लस, वहां पर भी देखते चलना मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा,
जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब, जहां जहां टी था उसको मतलब शक्ति ऐसी आई भाई कि हमने सब जीरो बना दिया। ठीक है, मान लो जादू आ गया तुम्हारे पास, क्या हुआ, टी को बदल दिया जीरो में, जहां जहां टी था वहां वहां जीरो कर दिया। ऐसा होता है ना मूवीज में देखे हो तुम लोग। ठीक है, अभी यहां पर क्या हो जाएगा, टू प्लस जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो ही होगा, एंड जीरो का फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जीरो यहां हो जाएगा, माइनस का जीरो का क्यूब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अभी यहां पर हर जगह देखो जीरो ही है ना, तो जीरो को हटाए नहीं दो क्योंकि जीरो का मतलब जीरो ही होता है, अलग से कुछ और नहीं होता, तो यहां पर टू अकेले लिख दो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको भी करना है, मतलब कि पी अब वन रखना है, पी वन यहां पर ही रख लेते हैं। देखो पी वन टू प्लस वन प्लस टू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, टू प्लस वन कितना हो जाएगा भाई, थ्री हो जाएगा, प्लस टू है यहां पर वन का स्क्वायर होगा कितना होगा, वन ही होगा, एंड जब यहां पर वन आएगा वन इंटू टू टू हो जाएगा, माइनस है वन का क्यूब होगा कितना होगा, मतलब कितना भी पावर होता है तो उतना ही होता है, मतलब कि वन ही, खूब मतलब कर रहा हूं मैं। ठीक है, थ्री टू कितना हो जाएगा, फाइव, फाइव में से वन माइनस करेंगे तो फोर, ओके, तो यहां पर आ गया कितना, फोर, किसकी वैल्यू, पी वन की वैल्यू, किस क्वेश्चन में, सेकेंड वाले क्वेश्चन में, ये कंफ्यूज मत होना। अब आप बात करते हैं भैया पी टू की, जहां जहां पर है टी वहां रख दे हम टू, तो यहां पर टू तो पहले से ही है, प्लस का टू प्लस का टू प्लस इंटू का टू पावर का टू, ये क्या हो रहा है भैया, यहां पर भी हो जाएगा टू पावर थ्री, शुक्र है थ्री तो आया, नहीं तो आता कहा टू ही था, ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, टू प्लस टू फोर, टू लिखते हैं टू इंटू टू, मतलब टू की पावर टू, तो टू इंटू टू ही होगा भैया, कितनी बार बताएं हम, आए ये टू का स्क्वायर हुआ, टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर, और फोर इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर इंटू टू हो जाएगा एट, तो ये मैं टू हटा करके डायरेक्ट एट ही लिख देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है ना, टू का क्यूब कितना हो जाएगा, अब दिमाग कुछ लोग ऐसे लगाते हैं टू इंटू टू कर दो फोर हो जाएगा, यहाँ पर टू इंटू थ्री कर दो सिक्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, टू इंटू थ्री होगा या टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो यहां पर हम लिखेंगे एट, बीच में है माइनस, ओके, तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखो एट माइनस एट कितना कर देंगे जीरो, यहां से देखो, अब यहां अगर ऐसा भी करना चाहते हो एट प्लस फोर करोगे तो ट्वेल्व होगा, ट्वेल्व में से एट माइनस करोगे तो भी आएगा फोर ही, तो यहां पर हम फोर लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस करके आ गया कितना फोर, तो पहले में आपका पी जीरो की वैल्यू आई टू, पी वन की वैल्यू आई फोर, एंड पी टू की वैल्यू आपकी आ गई फोर। कहीं पर भी यार कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको, देखो सिर्फ आपको क्या कहा है, पी वन पी जीरो पी टू की वैल्यू निकाली है ना, बस वैल्यू रखो, नॉर्मली जो कैलकुलेशन आप हमेशा से करते आए हो वही करना है यार, इनमें भी क्वेश्चन में आपको यही करना है। देखो इसको तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसकी पहले में पी जीरो की वैल्यू जीरो आएगी, पी वन की वैल्यू कितना आएगी पता है, वन आएगी, एंड पी टू की वैल्यू आएगी एट, रख करके देख लो, और इसमें क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन है ना, इसमें पी जीरो की वैल्यू आएगी माइनस माइनस वन आएगी पी जीरो की वैल्यू, एंड अभी पी वन की बात करें ना तो जीरो आएगी, पी वन की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, एंड टू माइनस वन तो यहाँ पर टू, और पी टू की वैल्यू इसमें थ्री आएगी, करके देख लेना, ओके, तो मतलब जब प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही यार अपने मन में, ये क्वेश्चन इतनी ईजी है कि अपने मन में ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बाकी दोनों होमवर्क है, करना जरूर, जो पिछले वाले एक्सरसाइजेस हैं मींस की जितने भी क्वेश्चन होंगे ना मैं प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर के देख लेना जो भी आपको यार नहीं आते हैं क्वेश्चन, ओके, तो यार आज की क्लास में हमको यही क्वेश्चन पढ़ना था, कोई भी डाउट कहीं पर भी होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। फिलहाल आज की क्लास को हम यही पर एंड करेंगे यार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।